दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, असम राइफल्स की तरफ से कल रात में एक न्यू नोटिफिकेशन निकल के आया है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 14 अक्टूबर 2021। ये नोटिफिकेशन आज सुबह रिलीज़ हुआ है और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट वाइज कैटेगरी में जो आपकी वैकेंसीज़ आई थी उसे इंक्रीज़ की गई है। अब कितनी इंक्रीज़ की गई है मैं आपको बताता हूँ, किस किस पोस्टों में आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये नोटिफिकेशन आपको असम राइफ़ल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आपकी वैकेंसी साफ साफ बढ़ाई गई हैं। तो सबसे पहले अगर आते हैं दोस्तों हम, तो आप नोटिफिकेशन में आप सबसे पहले क्लर्क की जितनी भी वैकेंसीज़ है, हर स्टेट में क्लर्क की वैकेंसीज़ बढ़ाई गई हैं। आप अगर देखी जाए तो मैं बिहार का आपको बता देता हूँ। बिहार में क्लर्क की टोटल वैकेंसी पुराने नोटिफिकेशन में 15 आई थी और अभी जा कर के नए नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी ऑफ क्लर्क 25 हो गई है। मतलब 10 सीट सीधा क्लर्क में बढ़ा दी गई हैं और उसे टोटल 25 किया गया है। और ऐसा हर ट्रेड में हुआ है, हर ट्रेड में 2 से 3 सीट इंक्रीज़ की गई हैं। आप लोगों ने जिस भी ट्रेड में अपनी वैकेंसी में अपने फॉर्म फिलअप किए हैं, आपके फॉर्म उसमें देखिए वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई है। वही अगर मैं आपको कुक की बात बताऊं तो कुक में यहाँ पे सीधा 33 सीट हो गई हैं। पुराने नोटिफिकेशन में कुक में 28 सीट थी और अभी जाकर के यहाँ पे सीधा 33 सीट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज 4-5 सीटें बढ़ाई गई हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग की 1230 वैकेंसीज थी और अभी आपकी वैकेंसीज इंक्रीज़ कर दी गई हैं। तो ओके दोस्तों, जय हिंद।